सो हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो वही अभी हमने कल की वीडियो में 1 2 3 4 5 जो है क्वेश्चंस अपने ब्लड रिलेशन से कर लिए हैं। बेसिकली ये हमारा अभी को करिकुलर जो हमारा सब्जेक्ट है बीए बीएससी बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर वाला, उसी से रिलेटेड टॉपिक है भाई ये आपका, जो एक तरीके से कह लीजिए इम्पॉर्टेंट एकदम सीज़न अभी चल रहा है। जो मैं यहाँ पे रीजनिंग वाले को जो है पोर्शंस करवा रहा हूँ उसमें दोस्तों आपके लगभग 1 से लेकर के 40 तक दोस्तों यहाँ पे आपको जो है आपके पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। 1 to 39 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के ही देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें मैक्सिमम आपका यही रिलेशंस वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। बाकी नंबर वाला भी होता है, नंबर वाला दोस्तों हम कुछ करवा चुके हैं और बाकी अभी आपको दोस्तों देना है बाकी है इस चैनल पे। तो भाई चलो फटाफट से हम यहाँ पे शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बस छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, साथ साथ सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए यहाँ पर हमारा जो कल हमने फिफ्थ नंबर तक यहाँ पे कर लिया था, आपने वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल पे आपको मिल जाएगी, मेन चैनल पे इसी वाले पे। एंड यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ए तथा बी भाई हैं। ठीक, पहले हम क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि भाई ये कहना क्या चाहता है, इसकी लैंग्वेज समझेंगे, फिर उसको दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर तोड़ के फटाक से अपना आंसर लिखेंगे, क्योंकि हमें बहुत कम टाइम मिल पाता है एग्ज़ाम हॉल में। 2 घंटे में आपको कंप्यूटर के भी और रीजनिंग के दोनों के सवाल करने होते हैं। तो चलिए यहाँ से है कि ए तथा बी भाई हैं, सी तथा डी बहने हैं। यदि ए का पुत्र ई सी का भाई है तो बी का डी से क्या संबंध होगा? तो वही विदाउट कन्फ्यूजन के चलिए हम यहाँ पर अपना जो है सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या दे रखी है हमें कि भाई ए तथा बी भाई हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ तुरंत बना लेते हैं, ए और बी आपस में भाई भाई हैं, जैसे आपका कोई छोटा भाई है। ठीक, या फिर आप अपने पापा या चाचा को समझ सकते हैं, तो ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। ठीक, तो भाई भाई, अरे क्या लिख दिया, भाई भाई हैं। ठीक, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं ए एवं बी। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर मेरे भाई कि सी तथा डी बहने हैं, एंड यहाँ पे आपका सी एवं डी ये आपस में क्या है भाई, बहन है, दोनों आपस में बहन है। ठीक, फिर उसके बाद है यदि ए का पुत्र ई सी का भाई है, यानी कि ए का पुत्र ई जो है वो सी का भाई है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि आप अज्यूम कर लिए ये ए आपके पिताजी हो गए एंड ये उनके छोटे भाई हो गए। ठीक, उनके बेटे आप हो गए ये एंड आपकी ये दोनों बहनें हो गई। अब समझ में आसान से आ रहा होगा, ये आपके पिताजी हो गए, इधर इससे आपको समझाता हूँ मैं, ये आपके पिताजी हो गए, ये आप हो गए, ये आपकी दो बहनें हो गई। ठीक, सी एवं डी, अब समझ में आ रहा होगा मे बी। तो चलिए यहाँ से अब इनको हटाते हैं हम। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है कि सी का भाई है तो बी का डी से क्या रिलेशन है भाई? यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपस में बहने हैं, आपका बी का डी से रिलेशन पूछ रहा है। तो भाई फटाक से वीडियो को पॉज करके ईमानदारी के साथ कमेंट करो कि क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपका आपकी जो बहन है, यानी कि आपके जो है पापा के भाई जो छोटे हैं उनसे क्या रिलेशन है? तो बेसिकली ये दोस्तों रिलेशन चाचा का होता है, इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको दिमाग चलाना होगा एग्ज़ाम हॉल में, तभी आप दोस्तों कर पाएंगे। चलिए इस तरीके से हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। बेसिकली एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ए तथा बी भाई हैं, आप ए एवं बी दोस्तों भाई भाई अज्यूम करना। उसके बाद ये सी एवं डी बहने हैं, बाकी जो ई था वो ए का बेटा था, ये बेटा था, ठीक, पुत्र, और सी का दोस्तों वो था भाई था। ठीक, सी का भाई था, तो सी का भाई और डी का भी भाई, और बाकी तो बी एवं डी का रिलेशन, तो भाई यहाँ पे चाचा का रिलेशन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि पी क्यू का भाई है, आर पी की माँ है, एस आर का पिता है, यदि टी क्यू का पुत्र है तो एस टी से किस प्रकार संबंधित है? देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये डेटा जो ज़्यादातर लिखे होते हैं ये आपको केवल डराने के लिए होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर एक बार आया हुआ है, फिर एक बार आया हुआ है, एंड क्यू आप देख सकते हैं कि एक बार पहली बार आया हुआ, फिर यहाँ पे आया हुआ है, एंड यस देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है। ठीक,
तो कई सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि टी भी यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो आपको यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है, बस केवल ग्राफ हमें सर जो है राइट बनाना होगा, किस तरीके से आपको एक अच्छा मैप बनाना होगा ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए पहले हम यहाँ पे समझते हैं पी क्यू का भाई है। देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे भाई बहन में अगर कंफ्यूज होते हो कि जैसे अभी आपको यहाँ पे दे दिया ना पी क्यू का भाई है, तो आप अगर यहाँ पे क्यू को भी अगर मेल समझते हो यानी कि भाई, ठीक, और ये पी भाई है, ठीक, पी भाई, तो भाई क्वेश्चन में सीधे ही दे देता पी और क्यू भाई हैं, ठीक। जैसे कि अभी हमें यहाँ पे दिया ए तथा बी भाई हैं, उसी तरीके से यहाँ पे इन वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि पी क्यू का भाई है, यानी कि क्यू तुरंत आपको यहाँ पे फीमेल समझ लेना है यानी कि बहन, ठीक। जो जो भी रिलेशन पुटअप करता है उस तरीके से आपको करना है। पी को यहाँ पे फीमेल हम दोस्तों एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे क्यू जो पी है वो क्यू का भाई है। अब ये भाई हो गया, थोड़ा छोटा हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं नहीं तो यहाँ पे भर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्यू एंड पी, ये भाई हो गया एंड ये बहन हो गई, ठीक। अब क्या कह रहा है, आर पी की माँ है, आर जो है वो पी की माँ है, एक तरीके से आर आपकी पी की माँ हो गई, माता जी, तो इस तरीके से क्यू की भी माँ हो जाएंगी, ठीक। तो भाई अब क्या करना है हमें, फिर कह रहा है कि एस जो है आर का पिता है, एस जो है आर का पिता है। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, एस आर का पिता है, ओके। फिर यदि टी क्यू का पुत्र है, टी जो है क्यू का पुत्र है, भाई टी आपका क्यू का पुत्र है, तो एस का टी से क्या रिलेशन। सबसे पहले हम चीज़ें यहाँ पे जान लेते हैं, पी एवं क्यू भाई बहन, जैसे कि आप खुद आप हो गए ये पी और क्यू आपकी बहन हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे आर को हम क्या समझते हैं, भाई आपकी मम्मी जी, ठीक, आपकी मम्मी जी आर हो गई, और यस आपके नाना जी हो गए, क्योंकि मम्मी की ये मम्मी के ये पिताजी हैं, ठीक, तो ये आपके नाना जी हो गए। फिर आपकी दोस्तों बहन का बेटा ये टी हो गया, ठीक, बहन का बेटा ये टी हो गया, तो आप तो हो गए मामा जी उसके। बाकी एस का टी से रिलेशन पूछा है कि क्या होगा, इनमें से कौन कौन सा होगा, तो भाई सबसे पहले हम चलिए ऑप्शंस पे दोस्तों नज़र डालते हैं। तो पहला तो पौत्र होगा नहीं, दादाजी भी नहीं होगा, पुत्र भी नहीं होगा, तो इसलिए आपका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो अगर समझ में ना आती हो तो आप इसको दोबारा देख लीजिएगा एक बार। पहले चलिए हम सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं। टॉप फाइव क्वेश्चन कल भी करवाया था, टॉप फाइव क्वेश्चन जो है आज भी करवा रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि आपको इससे ईजी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम हॉल में देखने के लिए मिलेंगे, बेसिक से बेसिक ऐसे ही इसी तरीके के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं जैसा कि मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक। चलिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि बी ए का भाई है और डी ए का भाई है और बी ई का भाई है, तब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही रूप है, मतलब एकदम जो है राइट है इसमें से। यदि बी ए का भाई है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर हम लिखते हैं बी दोस्तों आपका ए का भाई है, तो ये बहन हो गई ऑब्वियसली एंड ये भाई हो गया। बी दोस्तों ए का भाई है, डी ए का भाई है एंड डी दोस्तों ए का भाई है, यानी कि एक और भाई हो गया डी, एंड ये दोनों आपस में भाई भाई हैं जैसा कि कह रहा है एंड लॉजिक है। एंड बी ई का भाई है दोस्तों, बी ई का भाई है, बी आपका ई का भाई है, बी एक तरीके से आपने देखा कि पहले तो ए का भाई है एंड अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई का भाई है, यानी आप समझ पा रहे होंगे कि दो भाई हैं, पहले नंबर तो बी और डी और दो बहनें हैं ई और ए आपस में। एंड अब ये है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है कथन रूप से सही है। तो सबसे पहले आप अज्यूम कर लीजिए कि आप एक हो गए यानी कि बी एंड आपका भाई हो गया डी और आपकी दो बहनें ई और ए हो गए। अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, तो चलिए अब ऑप्शंस पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं कि बी डी का भाई है, तो भाई ये तो सही बात है, बी डी का भाई है। बाकी और भी ऑप्शंस के बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे है कि ई भी का भाई, यहाँ पे ये होगा ही नहीं, बहन है। ए डी का भाई, ये भी दोस्तों गलत है, ए ई का भाई, ये भी नहीं होगा, ठीक। चलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर है कि ए बी का पुत्र है, ए दोस्तों बी का पुत्र है, बी तथा सी परस्पर बहने हैं, ठीक, बी तथा सी परस्पर बहने हैं, सी की माता डी हैं,
यदि ई डी का पुत्र है तो निम्न में कौन सा कथन सही है। ठीक, तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पे ऊपर की साइड में ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस में मिल जाता है, तो यहाँ पे हम साइड में ग्राफ बना लेते हैं अपना। क्या कह रहा है यहाँ पे भाई क्वेश्चन, इसको हम यहाँ पे साइड में कर लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि आपका ए बी का पुत्र है, ठीक, तो ए जो है वो आपका बी का पुत्र है, बी यानी कि ये आपकी ये मम्मी हो गई और ये उसका बेटा हो गया, मम्मी और बेटा का रिलेशन। देन उसके बाद क्या कह रहा है कि आपका बी तथा सी परस्पर बहने हैं, बी तथा सी परस्पर बहने हैं, ठीक, बी तथा सी परस्पर बहने हैं, ये आपस में बहने बहने हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि सी की माता डी हैं, सी की माता जी ये डी हो गई, ठीक, सी की माता जी यानी कि आपकी मम्मी की माता जी यानी आपकी नानी हुई, ठीक, ये पुत्र आप खुद को अज्यूम कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि ई डी का पुत्र है, ई डी का पुत्र है, तो यहाँ पे आपके नानी जी के जो पुत्र हैं तो वो यहाँ पे ई हो जाएंगे यानी कि आपके मामा, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भाई देखिए, सबसे पहली चीज़ आपकी मम्मी यहाँ पे बी हो गई, आपकी मौसी यहाँ पे सी हो गई, ठीक, और आपके जो है आपकी नानी यहाँ पे डी हो गई, उनके बेटे जो है ई हो गए, जो कि आपकी मम्मी के तो भाई लगेंगे, मौसी के भी भाई लगेंगे, लेकिन आपके क्या लगेंगे, आपके मामा जी लगेंगे, ठीक, आपके यहाँ पे मामा जी लगेंगे, मामा जी से रिलेशन। देखिए ये सब यहाँ पे खिचड़ी इसलिए हो जा रहा है क्योंकि रिलेशन कुछ इस तरीके से होता ही है। बाकी इसको आप अच्छे से, अगर आप कापी में अच्छी स्पेस है उस पर ठीक ठाक, तो उस पर लगाइएगा बढ़िया से, वो सब सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस आपको यहाँ पे मैं हिंट दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे सही दोस्तों कथन कौन सा है वही आपको सेलेक्ट करना है। बी तथा सी मौसेरी बहने हैं, बी ए की तथा सी डी की पुत्रियाँ हैं, बी ए की तथा सी डी की पुत्रियाँ हैं, ई ए का मामा है, ए डी की धेवती। तो भाई देखो यहाँ पे एक तरीके से आप देख सकते हैं कि बी तथा सी मौसेरी बहने नहीं हैं, सगी बहने हैं, बी क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी तथा सी परस्पर बहने हैं, बी ए की तथा सी डी की पुत्रियाँ हैं। सी डी में दोस्तों आप देख सकते हैं कि पुत्रियों का कोई रिलेशन है ही नहीं, एंड आप देख सकते हैं कि बी दोस्तों ये कह रहा है कि बी ए की पुत्री, यहाँ पे दोस्तों माँ का रिलेशन है सीधे सीधे आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से ये भी नहीं होगा, ई ए का मामा ये आपका राइट है, बाकी ये भी नहीं होगा आपका, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा ये कि एक महिला एक लड़के से लड़के के साथ दिल्ली जा रही है, एंड आपको यहाँ पे पहले ही बता दे रहा हूँ ये सारे के सवाल जो सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं बकवास टाइप के होते हैं एक तरीके से, बस उनमें मेन आपको पकड़ना होता है। एक महिला एक लड़के के साथ दिल्ली जा रही थी, तो ठीक समझ में आ गया, महिला है एक लड़का है उसके साथ, मार्ग में उसे एक व्यक्ति मिला, उसने उस महिला से पूछा कि वह लड़का तुम्हारा क्या लगता है, ठीक, बस अब आपको सीधे सीधे उस लड़के और उस महिला में रिलेशन दोस्तों निकालना है। तो फिर उस महिला ने जवाब दिया मेरे मामा तथा इस लड़के के मामा ठीक परस्पर भाई हैं। तो भाई बस हमें फार्मूला मिल गया, चलिए फटाक से लगाते हैं हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे साइड में। तो यहाँ पे एक महिला हो गई और एक लड़का हो गया, ठीक, अब इस महिला के मामा जो हैं, इस महिला के मामा जो हैं इस लड़के के मामा के लड़के के मामा के मामा, ठीक, मामा के परस्पर भाई हैं, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, ठीक। तो अब आपको शायद यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि क्या चीज़ है, ठीक, तो उस महिला का उस लड़के के साथ क्या रिलेशन है। तो भाई ये दोनों जब आपस में भाई हुए, ठीक, ये दोनों आपस में भाई हुए इस महिला के मामा, ठीक, इस महिला के मामा, अगर आप महिला को एक तरीके से आप अपनी माँ को अज्यूम कर लीजिए और ये आप खुद को अज्यूम कर लीजिए, ठीक, एल को, तो आपके मामा जो हुए आपकी माँ के भाई हुए, ठीक, आपकी माँ के भाई हुए, उस प्रकार से फिर आपकी मम्मी के मामा जो हुए, मम्मी के मामा का मतलब यहाँ पे इस तरीके से है कि आपकी जो मम्मी की माँ है यानी कि आपके नानी के जो भाई हैं वो आपकी मम्मी के माँ हो गए, मम्मी के मामा हो गए, उस तरीके से
आपके जो मामा जी हैं आपकी मम्मी के भाई हैं, और उनके मामा जी फिर आपकी मम्मी के मामा जी, वो एक दूसरे से दोस्तों परस्पर भाई का रिलेशन रखेंगे, इसलिए इनका रिलेशन ये हो जाएगा कि वो मम्मी और पुत्र का रिलेशन रखते हैं, ठीक, माँ एवं पुत्र का रिलेशन, ठीक। एक तरीके से आप ये कह लो कि आपकी ये माँ हो गई, आप हो गए ये, आपकी मम्मी के जो मामा होंगे, आपकी मम्मी के मामा, समझ रहे हैं ना, जैसे आपके मामा क्या हुए, आपके मामा कैसे लगेंगे, क्या कि आपकी मम्मी के भाई होंगे, उस तरीके से आपके आपकी मम्मी के मामा, तो बस वही सेम रिलेशन है, ठीक। तो आपकी मम्मी की मम्मी के भाई होंगे वो, तो उस तरीके से भाई ये आपके मामा हुए, तो आपके मामा मतलब ये आपकी मम्मी और आपके माँ, ये दोनों भाई भाई बहन का रिलेशन हो गया, और बाकी तब उनके मामा जो हुए तो उनके भी मामा, तो इनमें ये परस्पर भाई भाई हैं, तो इस तरीके से माँ और बेटे बेटे का रिलेशन हो जाता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ भाई, काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से अच्छा है छोटी वीडियोज़ मैं ही बनाता हूँ, ताकि आपको भी ज़्यादा बोरिंग ना हो और हमको भी ना हो परेशानी कोई, क्योंकि मुझको तो कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन आप कई जब इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि एक छोटा सा मेरे मुझको क्या होता है कि आपको बस कंसेप्ट थोड़ा सा दे देना होता है, बाकी आप तो सवाल खुद से प्रैक्टिस कर ही सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी अगर PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे कई सारे लोग पूछते रहते हैं कि कहाँ पर मिलेगा भाई, तो टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, SKBCM ट्यूटोरियल सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये डॉक्यूमेंट पूरा, आप वहाँ से हर एक चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। बाकी और भी कई सारी वीडियोस डाली हुई मैंने, एक यूनिवर्सिटी की पूरी आपको बुकलेट दे दिया है मैंने, जिसमें 75 क्वेश्चन टोटल MCQs हैं, तो उसका भी आपको सोल्यूशन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दिया हुआ है मैंने, तो आप लगा लीजिएगा, जो आपको समझ में आएगा तो आप उसको कर लीजिएगा, नहीं समझ में आता कमेंट करिएगा, मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की इस चैनल पे भाई आपके डाउट्स को लेकर के। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो मेरे भाई, तब तक के लिए बाय बाय।